हो तो मुझे ये बताइएगा, आपने कोई स्पेशल एजुकेशन हासिल की है पिचेस बनाने में, क्योंकि आपके पास ऐसा क्या राज है, ऐसा क्या गुर है कि इतनी ज़बरदस्त विकटें बन रही हैं और शायकीन क्रिकेट बहुत ज़्यादा जिसे कह रहे हैं वो लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं? बस वो मेरे लिए एक वो बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि जो जब मुझे अवार्ड मिला, तो मेरा ख्याल है कि वो जो मैं समझ लें कि फूला नहीं समा रहा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स टीवी, एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में मुजफ़्फ़राबाद क्रिकेट स्टेडियम से हाज़िर हो चुके हैं। आज हम एक बड़ा सरप्राइज़ और बड़ा ज़बरदस्त इंटरव्यू करने जा रहे हैं। आज के इंटरव्यू में हमारे साथ जो शख्सियत होंगी, आप कश्मीर प्रीमियर लीग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको बड़े छक्के और चौके देखने को मिलते हैं। इनके पीछे राज क्या है और पिचेस कितनी मेहनत से बनाई जाती हैं, इसी हवाले से आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो कि इस वक्त PCB के लीडिंग क्यूरेटर हैं और टेस्ट मैच भी करवा चुके हैं, बड़े एक्सपीरियंस वाले क्यूरेटर हैं, बड़ी ज़बरदस्त पिचे तैयार करते हैं, बेस्ट अवार्ड भी अपने नाम कर चुके हैं। बढ़ते हैं रियाज साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम रियाज साहब, कैसे हैं आप? शुक्रिया, खैरियत से। अच्छा, सबसे पहले तो रियाज साहब, कश्मीर प्रीमियर लीग में जिस तरह आप पिचेस तैयार कर रहे हैं, आप काबिले दाद के मुस्तहिक हैं, बड़े छक्के चौके हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, आपने कोई स्पेशल एजुकेशन हासिल की है पिचेस बनाने में, क्योंकि आपके पास ऐसा क्या राज है, ऐसा क्या गुर है कि इतनी ज़बरदस्त विकटें बन रही हैं और शायकीन क्रिकेट बहुत ज़्यादा जिसे कह रहे हैं वो लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं? देखें, इसके कोर्सेज होते हैं, जो PCB कोर्स करवाता है वो हमने किए हैं, जो बाहर से पिच कंसल्ट बुलाते हैं वो हमें जो कोर्स करवाते हैं उसके मुताबिक हम उसके ऊपर अमल कर रहे हैं। बाकी जो हमें चीफ क्यूरेटर साहब भी गाए बगाए बताते रहते हैं, और इसमें ज़्यादा स्कोर बनने का ये है कि हम अपना जो 100% जो होता है कि जैसे अभी हम रात 2:30 बजे यहाँ से गए हैं, सुबह 5 बजे आए हैं, और इसमें जो जैसे कवर्स हम देर से उतारते हैं या जल्दी ऊपर डाल देते हैं और पूरा इसके ऊपर टाइम नहीं देते, तो उस वक्त फिर ज़ाहिर है कहीं ना कहीं कोताही रह जाती है। और पिचेस तो हमारी ये है कि स्पोर्टिंग पिचेस हैं जो आउट भी हो रहे हैं, स्कोर भी बन रहा है, बॉलर्स भी मैन ऑफ द मैच हुए हैं, और इसमें जो है कि मेरा ख्याल है कि ये डिमांड है 2020 की, और 2020 में चौके छक्के लगने चाहिए जो कि पब्लिक इंजॉय करे। ठीक है रियाज साहब, मैं आज से 4 माह कबल इस ग्राउंड में आया था, जब मैंने ये ग्राउंड की हालत देखी तो मैं ये तसव्वुर ही नहीं कर सकता था यहाँ कश्मीर प्रीमियर लीग का मेला सजेगा, इतने बड़े मैचेस होंगे। फिर आपको हायर किया, आप आए, दिन रात मेहनत की, आउटफील्ड की अगर हम बात करें, बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आउटफील्ड है। पिचेस के हवाले से हम बात करें, हमारे इतलात के मुताबिक 2-3 नई पिचेस भी रेमुनेट की गई हैं, ग्राउंड को बड़ा ज़बरदस्त सजाया गया है। कितनी मुश्किलात आई और इतनी मेहनत के बाद जब आप ये नतीजा देख रहे हैं, खुशी कितनी होती है? मैं यहाँ पर ये तकरीबन 1 महीना पहले आया था और ग्राउंड की बहुत ज़्यादा इंतहाई हालत ख़राब थी, तो मैंने इसके ऊपर आके अपना जो मेरा एक्सपीरियंस था उसके मुताबिक मैंने काम शुरू किया। इसको जो खाद स्प्रे और पिचेस को भी हमने अपडेट किया, और उनके ऊपर भी जो रेनोवेशन का काम होना चाहिए था जो थोड़े टाइम में जल्दी तैयार हो सके वो की, कि जिसकी वजह से आज ये नतीजा आ रहा है। ठीक है, ये बताइएगा, पहला मरहला इख्तिताम पजीर हो चुका है कामयाबी के साथ, शायकीन क्रिकेट ने बड़ा इंजॉय किया है, बड़े शॉट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। अब जो आगे प्ले ऑफ का मरहला शुरू होने जा रहा है, उसमें किस तरह की पिचेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कितने रन बन सकते हैं और छक्के चौके शायकीन क्रिकेट को देखने को मिलेंगे, ये भी थोड़ा बता दें। हमारी कोशिश तो यही है कि जैसे पहले मैच से ही 195 स्कोर बनाए, मेरा तो यही ख्याल है कि हर मैच में तकरीबन 180 अगर चेज हो जाता है तो इसका मतलब है कि 200 बन गया, तो मेरा तो यही ख्याल है हर मैच में ही 180-200 बने। ठीक ठीक, हाँ जी ठीक। ये बताइएगा, बैट्समैन तो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बॉलर्स की बड़ी फैंटी लग रही है, हाँ जी, बॉलर्स मुरझाए हुए लग रहे हैं, बॉलर्स के लिए क्या कहेंगे, और स्पेशली बॉलर्स भी परफॉर्म करते हैं थोड़ा सा, मैं कहता हूँ ये भी बता दें। बस ये है कि इसमें बॉलर भी मैन ऑफ द मैच हुए हैं, और चौके छक्के लगना 2020 की डिमांड है और इसमें स्कोर बनना चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि जो अच्छी बॉल करता है तो वो आउट भी हो रहे हैं, इससे ऑल आउट भी हुए हैं, 5-6-7 तकरीबन आउट हो रहे हैं। आज जैसे 3 आउट किए हैं एक बॉलर ने, तीनों नो बॉल पे, 7 आउट तो वैसे हो गए थे, और जो वो थे जो नो बॉल हुई, अगर वो नो बॉल ना होती तो तकरीबन ऑल आउट थे।
ठीक हो गया। रियाज साहब, अगर बात कीजिए क्यूरेटर पाकिस्तान की, आपका शुमार वन ऑफ द मोस्ट ज़बरदस्त जिसे कहते हैं क्यूरेटर में शुमार होता है, ये बताइएगा एक्सपीरियंस कैसा रहा, अभी तक कितने मैचेस कर चुके हैं, कितने इंटरनेशनल मैचेस कर चुके हैं, थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को ये भी बताइएगा। ये इंटरनेशनल तो अभी हमारी तकरीबन 2 साल से हो रही है, जैसे श्रीलंका आई, श्रीलंका के 3 जो वनडे थे कराची वाले वो मैंने किए, टेस्ट मैच श्रीलंका की किया है, साउथ अफ्रीका आई तो वो कराची में जो टेस्ट मैच था वो मैंने किया है, और मैं PSL में, या अभी PSL हो रहा था, और जो पिछले साल PSL हुआ कराची में, कराची वाले मैच में था मैं। ठीक है, PSL और KPL को किस नज़र से देखते हैं, हम कंपेयर कर सकते हैं इस टूर्नामेंट को, क्या आप समझते हैं कि कश्मीर प्रीमियर लीग एक नया ब्रांड बनने जा रहा है PSL के मुकाबले में, क्या कहेंगे? बस मेरा ख्याल है कि उसकी अपनी डिमांड है, इसकी अपनी डिमांड है, वो अपनी जगह पर है, ये अपनी जगह पर है, तो मेरा ख्याल है कि ये अच्छा एक्सपीरियंस है और जो अच्छी लीग हो रही है। सुना है आपने बड़ी स्ट्रगल की है, फिर अपने नाम आपने अवार्ड हासिल किया, जब आपको अवार्ड दिया जा रहा था उस वक्त क्या एहसासात थे, वो भी हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर कीजिएगा। बस वो मेरे लिए एक वो बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि जो जब मुझे अवार्ड मिला, तो मेरा ख्याल है कि वो जो मैं समझ लिया कि फूला नहीं समा रहा था कि जब वो मुझे पाकिस्तान का बेस्ट क्यूरेटर अवार्ड मिला। बिल्कुल रियाज साहब, हर कामयाब शख्स के पीछे, बाज़ूकात हम कहावत सुनते हैं, हर कामयाब मर्द के पीछे उसकी बीवी का हाथ होता है, वैसे ये कहावत बिल्कुल, है बिल्कुल। आपके पीछे भी कुछ लोगों ने सपोर्ट किया होगा, बिल्कुल, बिल्कुल। क्या क्या कहना चाहेंगे, कौन से ऐसे नाम हैं जिन लोगों ने आपको थ्रू आउट सपोर्ट किया? बहरहाल मेरे पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ है कि जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, एक नाम नहीं है, माशाल्लाह काफ़ी लोग मेरे पीछे हैं कि जो मुझे अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं, और जो है हम भी उनको अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं कि जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक हो गया। रियाज साहब, आप पाकिस्तान के बेशतर ग्राउंड्स में फराइज सर अंजाम दे चुके हैं, ये बताइएगा आपको सबसे खूबसूरत ग्राउंड कौन सा लगा? सबसे खूबसूरत ग्राउंड जो है एबटाबाद। एबटाबाद जी, पहाड़ों के दामन जी, में बुलंदोबाला पहाड़ हैं, बिल्कुल। और उसकी आउटफील्ड के हवाले से क्या कहेंगे? आउटफील्ड माशाल्लाह फर्स्ट क्लास, वहाँ आपने काफ़ी लंबा अरसा गुजारा है। लंबा अरसा गुजारा है और उसका लेवलिंग भी ठीक किया है। अच्छा रियाज साहब, हमने नोट किया है आप बड़े मेहनती हैं, आप बड़े मेहनत से लगन से काम करते हैं, बहुत सारे हमारे व्यूवर्स बल्कि आपके फील्ड के लोग भी इस वक्त देख रहे हैं, जो ग्राउंड मैन है, ग्राउंड स्टाफ है, उनके लिए कोई पैगाम दीजिएगा ताकि वो भी आपकी तरह मेहनत करें, ताकि पाकिस्तान में आजकल जिस तरह की क्रिकेट देखने को मिल रही है बिलखसूस कश्मीर प्रीमियर लीग में, ताकि वो भी इस तरह अपना बेस्ट परफॉर्म दे सके, उनके लिए कोई मैसेज दीजिएगा? उनके लिए मैसेज ये है कि पहले तो काम का उसको सही नॉलेज होना चाहिए कि काम करना कैसे है, काम का तरीका कार का पता हो, और दूसरे नंबर पर उसके लिए मुश्किल नहीं अगर वो टाइम दे, पूरा टाइम सुबह जल्दी आके कवर हटवाए और शाम को देर तक वो कवर हटे रहें, उसके ऊपर काम होता रहे, देर से कवर दें, तो मेरा ख्याल है कि काम जितना उसके ऊपर टाइम देंगे कामयाबी वो है। बहुत शुक्रिया रियाज साहब, आपने पाकिस्तान स्पोर्ट्स टीवी को वक्त दिया, अपने ख्यालात हमारे नाज़रीन के सामने रखे। नाज़रीन, ये थे रियाज साहब जो कि इस वक्त क्यूरेटर हैं PCB के, इस वक्त कश्मीर प्रीमियर लीग और मुजफ्फराबाद ग्राउंड में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। आप जितने भी अच्छे मैच देख रहे हैं, इस वक्त कांटेदार मुकाबले हो रहे हैं, आज के मैच में 986 रन बने हैं 80 ओवर्स में, वो इनकी बदौलत, इनकी मेहनत से, इनके ग्राउंड स्टाफ की मेहनत से आपको छक्के चौके देखने को मिल रहे हैं। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम इख्तिताम पज़ीर होने जा रहा है, एक नए प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, उस वक्त तक मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़। Well, welcome back to game 6 here of the SRG KPL and another beautiful day in Muzaffarabad. I want to give credit to our head curator here, Mr. Riaz Ahmed. His team has done a fantastic job. We did have overnight rain. We had rain last night. Game was cancelled. Had a look at the outfield earlier. No sign of any rain or water whatsoever. So that's in perfect condition. Pretty much like the surfaces we've been playing on for the last couple of days. Yesterday's game produced over 400 runs. And looking at today's strip. Ladies and gentlemen, before we move on, मुझे लगता है कि इन लोगों का जिक्र करना सबसे ज्यादा जरूरी है जिन्होंने ग्राउंड में पिचेस तैयार की और इनका ख्याल भी रखा, और मैं चाहता हूं कि सबसे ज्यादा इन लोगों को अप्रिशिएट किया जाए। सबसे पहला मेडल रिसीव करने आ रहे हैं दी हेड क्यूरेटर हिमसेल्फ मिस्टर रियाज अहमद। तालियां इन सब लोगों के लिए बहुत ज्यादा होनी चाहिए। रियाज भाई, थैंक यू वेरी मच एंड यू आर अ हीरो। आपने बहुत मेहनत की है और हम आपकी इस मेहनत की कदर करते हैं और इंशाल्लाह आने वाले सीजन में करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच रियाज भाई फॉर बीइंग विद अस।
One of the great umpires in the world. आपका बहुत शुक्रिया, सारे umpires का बहुत शुक्रिया. Ground staff curator रियाज भाई नजर नहीं आ रहे मुझे, लेकिन रियाज भाई ने जो pitches बनाई हैं, amazing pitches. और रियाज भाई great, good job. रियाज भाई ने जो pitches बनाई हैं, high scoring pitches थी और amazing किस्म के matches हुए. आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. उसके बाद यहाँ पे मैं दो तीन अनाउंसमेंट्स मैं करना चाह रहा हूँ जो कि बहुत ज़रूरी हैं, बहुत स्ट्रेटेजिक अनाउंसमेंट्स हैं.